गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज है शूट का दूसरा दिन और रेडी हो चुके हैं शूट के लिए। फाइनल है, यानी कि आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कल जो था थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था, एक अंतरा, तो वो बचा हुआ है। बाकी सब लोग बाहर से, सबकी अलग अलग कारीगरी चल रही है, देख सकते हैं आप। ये देखो, ये मेरे हीरो हैं सॉन्ग में, जो कि कान में हेडफोन लगा करके धूप आ रही। इधर को आती क्यों नहीं धूप? यस प्लीज। इधर को क्यों नहीं आ रहा? धूप आ रही है यहाँ। मेरे व्लॉग में इंट्रोडक्शन दो अपना, इधर आओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द अनदर व्लॉग। अपना कांडपाल, कौन सा व्लॉग है, नंबर याद करो? शूट डे टू। तो हम यहाँ पे सेकंड डे है हमारा शूट का, ठीक है। बाकी फर्स्ट डे तो मैंने मोस्टली हमने गाना कंप्लीट कर ही लिया है। बीच का कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया, बस वो आज कंप्लीट करना है। बाकी बहुत प्यारा गाना है, बहुत जल्दी आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तो पसंद आएगा। देखो, गाना एक होता है ना कि इन द सेंस एक सुनने वाला होता है, एक डांस करने वाला होता है। इस गाने को आप सुन भी सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो अगर चाहो तो। और रील्स इस पर बहुत प्यारी बनने वाली है, स्पेशली जो गाने का कहते हैं ना स्टार्टिंग, कौन सा पार्ट होता है वो? मुखड़ा जो होता है। बहुत प्यारे लिरिक्स है, लड़के की भी लड़की के भी, एक लव स्टोरी सी है, दो जोक सी, बहुत प्यारा है। बस कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, देखो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, बाबू ने तो कर ही दिया। बाकी गाना भी बहुत प्यारा है, सब लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा ये गाना जब आएगा। कोशिश करता हूँ और आशा रखता हूँ आप लोगों से कि आप बहुत अच्छा सपोर्ट करो इस गाने को। बाकी तो भाई देखो, जो किस्मत में होना वो तो होता ही है। मैं तो हीरो दिख ही रहा हूँ जैसे। आज बहुत लेट हो गई है, पता है, शूट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक का। और आज मैं नीरू को काम करते हुए बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि नीरू ने आज बिल्कुल काम नहीं किया है। तौलिया नया पेट के जा रही है अंदर को, बस आज कोई काम धाम नहीं किया है। बाकी थोड़ा बचा हुआ है, वो कंप्लीट करना है। सब थक चुके। क्या तुमने तो नहा लिया? तब तुम तभी दिखाई होगी। हाँ, बिना नहाए भी तो दिखाई था तूने। कब दिखाया बिना नहाए? क्योंकि हम बिना नहाए और नहाए दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए हाँ फर्क पता नहीं चलता हमारा। पहले भी गंदे ही थे, अभी भी गंदे ही लगते नहाने के बाद करके हमें। अरे बोलो ना, कुछ क्या है, मैं ब्लॉग बना रही, बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं, क्या बोलना है, ब्लॉग है बस। तारीफ करो मेरी। कभी नहीं लिया जाएगा अमन भैया को ब्लॉग पे, मेरा ब्लॉग खराब कर दिया। फार्म देखो तो करो कि मेरे दो चार फोटो ले बढ़िया बढ़िया से। यहीं पे हाँ, यहीं पे ले लो ना, और क्या। ठीक है। आज पता इतनी लेट हुई शूट करने में, बाहर धूप देखो कितनी तेज की आ रही थी। एक मिनट आवाज कर, चटक वाली धूप आई है, चटक वाली। और ये देखो, ये हमारे साथ ही है जब जब हम काम कर रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं कुत्ते। और यहाँ से इतने सुंदर सुंदर खेत दिखते हैं, दिखाऊं आपको? ये देखो नीचे को कितने प्यारे लग रहे हैं ना खेत। नीचे यहाँ पे कोई नदी भी है और ये सामने देखो, और बाकी इधर से इधर इधर को ना पूरा गढ़वाल वाला एरिया लग जाता है। और ये देखो कितना सुंदर, ये खेत मुझे बहुत पसंद है। ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं, मतलब ऐसे ना बिल्कुल कटिंग वाले, मतलब जैसे किसी की प्यारी सी कटिंग की होती है ना, ऐसे खेत है, मतलब बहुत मस्त मस्त से। कि वहाँ पे को हमारा पानी गर्म हो रहा है, क्या लोकेशन है, इतनी सुंदर सी। ये देखो ना इधर पे कितने प्यारे खेत है यार। इधर के खेत देख के मेरा मन आ जाता है। दादा दादी भी अभी कहीं गए हुए हैं और नाश्ता भी हमने कर ही लिया है, लेकिन शूट जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। बाकी आजकल सब्जी वब्जी का सीजन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग, दिखाते हैं। दादाजी का नाम लिया, दादाजी हाजिर। कितने दूर से आ रहे दादाजी? बहुत दूर से आ रहे। पैदल आ रहे क्या आप? तो गाड़ी में गए थे। गाड़ी में पैदल हो? फिर पैदल क्यों आ रहे हो? पैदल तो यहाँ से आ रहा हूँ। दादी कहाँ हैं? तहसील आ रहा हूँ। दादी कहाँ हैं? दादी ऊपर के घर में बैठ गई। ओह चलो ठीक है भाई। हीरो की फोटो खींचते हैं थोड़ा। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हिमुली वाली लोकेशन पे, जहाँ पे हिमुली गाना शूट हुआ था। ये देखो, ये है वो जगह। बहुत सारे लोग पूछते हैं वो जगह कहाँ है, तो ये है वो जगह जहाँ हिमुली गाना शूट हुआ था पूरा। इस वाले पे पूरा नहीं, मतलब आधा आधा हुआ था। यहाँ से स्टार्ट था और यहाँ पे को ये है वो जगह जहाँ पे पूरा गाना, हिमुली वाला गाना शूट हुआ था। और भी जगह है, उधर नहीं जाएंगे ना हम, लाल नगरी साइड नहीं, लाल नौले साइड नहीं, तो यहाँ से आगे चल के जो वो नौले वाला सीन है वो उधर है, मतलब उधर को भी काफी शूट हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना हिमली का वो पूरा इधर शूट हुआ है, इधर पे। ये है वो जगह, और जो कि बहुत मस्त लग रहा है। आज थोड़ा लेट हो गए थे, काम कर रहे हो आज? थोड़ा घास काटने नहीं गए? आंटी को भी देखा होगा आपने हिमली वाले गाने में, ये भी थी मेरे बगल पे बैठी हुई। आप भी है वो ना उसमें? आंटी भी है उसमें। हाँ हाँ हाँ। ओ
जिस दिन मेरा बर्थडे आया ना, जब मैं काशीपुर से वापस आए तो दुकान में दुकानदार मेरे को चॉकलेट दे रहे थे। क्या हुआ बोल, तुम तो फेमस हो गए। मैंने कहा बोल इसी बात पर चॉकलेट खा रहे। मैंने कहा बोल तुमको नहीं पता, हम तो फोटो खिंचाने के लिए चल गया, तुम्हारे तो बाल बना रही सारी। अच्छा गानों में। So guys, finally, आज मैंने भी आम पालक खा लिया। आम पालक और मैंने खा लिया इमली पादक। वो इमली मोदक है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मेरी मजाक बना रहे आम पादक। अबे ये क्या था, ये देख, ये देख ये। मत करो, नहीं करने क्यों नहीं दे रहे, सीखने क्यों दे रहे। ये ही हो जा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना एकदम से। करेंगे प्रैक्टिस, नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस। साला करते ना फिर। एक आदमी था उसका नाम बार था, तो वो एक लड़के का ना वो रहता है बड्डा, क्या ताऊ जी बोलते हैं, बड्डा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, बड्डा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बाहर से क्या हुआ कि एक अंग्रेज आया, ठीक है, एक अंग्रेज आया और उस एक पेड़ के बारे में पूछ रहा था कि ये पेड़ किस चीज का है। अच्छा। अब वो पेड़ उस बड्डे के मकान में लगा हुआ था, बड्डा मतलब जो ताऊजी था उनके मकान में लगा हुआ था। अच्छा। अब वो कहता उसको कि ये ना ये पेड़ पर बाघ सिंह बड्डा का है। बाघ सिंह बड्डा का, बड्डा का नाम था ना बाघ। इंटरेस्टिंग सुन रहे, इन्होंने कहा फनी है, हम सुन रहे इतने मजे से। मैं भी ब्लॉग बना रही, मैंने कहा क्या पता कुछ फनी होगा। बाघ सिंह बड्डा का है बस। तो क्या क्या था इसमें हंसने वाला, क्या था नीरू? उसने उसका पेड़ का पूछा, वो कह रहा बाघ सिंह बड्डा का पेड़। सुन लिया, वाहियात जोक था। की लोकेशन पे जा रहे हैं, रील शूट की लोकेशन पे जा रहे हैं। वहाँ पे ही, वहाँ पे भी वही मुली गाना शूट चल के दिखाती हूँ आपको। ये है वो जंगल का रास्ता, ये भी एक लोकेशन है हिमुली की, और ये है वो पेड़। रुको मैं दिखाऊं, ये है देखो। चुनरी तेरी चमकेनी गुलाबी शरारा। एक्चुअली मैम ये करने आए हैं यार, रील बनाने आए हैं गुलाबी शरारा। किसके 1 मिलियन पूरे हो चुके हैं गाइस, नीरू का गाना है, 1 मिलियन हो चुके हैं, तो नीरू बहुत खुश है। तू पहाड़ी बटुमा, मैं भी हूँ चुनरी तेरी। दोस्तों आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, अमन भाई ऐसे कब से कह रहे हैं हमारी वीडियो बना दो, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी एक वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जो भाई बहनों की बात नहीं सुनते, ये देखो ये देखो ये देखो देखो फिर देखो ये देखो कैसे बैठे हुए हैं वीडियो बनाने के। तुषार हमारी वीडियो बनाने के लिए देखो, हम कैसे वेट कर रहे हैं उन दोनों का, और वो उनको देखो वहाँ चारा देख के आपको पता लग गया होगा मेरी वीडियो नहीं बनी, नहीं फोटो खींची है अभी यार। तो वो देखो वहाँ, उधर देखो, ये देखो शाम होने गए, शाम का ही शूट था ये बता दे। खाली दूसरों का नाम फंसवा दो, दूसरों पे नूर डाल दो गलतियां। और कुछ किसी ने कहा ब्लॉग में आने के लिए? किसने कहा? तूने बोला था, तुमने आना चाहिए ब्लॉग में। कब कहा मैंने ऐसा? ये हमारे हीरो हैं, सुबह से मुंह काला हो गया इनका, इतने गोरे चमक रहे थे सुबह सुबह, और अभी देखो इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि शाम हो गई है। और दादी देखो, दादी हर शूट में ऐसी डट्ठा लेके जायजा करने आती है, क्योंकि ये थोड़ा जो है ना ये भीगे ना, क्योंकि बारिश है। दादी वो होती ना पेपर के बीच में, क्या देखने, क्या कहते हैं उनको, फ्लाइंग फ्लाइंग कहते हैं शायद, दादी फ्लाइंग है। देखो वाला सीन दिखाना है ना, थोड़ा सा बारिश वाला, तो इसलिए थोड़ा पाइप वाइप पानी वानी का इंतजाम हो रहा है। बाकी अभी शाम हो चुकी है, मस्त सीन। चलते चलते होगा तो हम भी फ्री हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे शॉट चल रहा है, देख सकते हैं आप, पीछे से धुआं इसलिए लगाया था कि धुआं जो है कोहरा लगे। अब तो बोलो कोई, अब कोई नहीं बोलेगा। नीरू मर्द बोलेगा। अमन भैया पैकअप बोलो, पैकअप बोलो, पैकअप पैकअप। और हमारा शूट कंप्लीट हो गया, बहुत जबरदस्त बारिश के साथ पूरी भीग गई। अरे हिट तो होगा, इतनी सेवा में लगे हूँ तुम्हारी। यस हिट होगा, हिट होगा, गाना हिट होगा, हिट होगा।
आप जाके कंप्लीट होगा। पैकअप बोलो, पैकअप हो चुका है। और आई होप कि आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा। गाना आप लोगों को स्पीकर लेके मैं चला गया, देखने को मिलेगा स्पीकर लेके गया मैं। किस चैनल पे देखने को मिलेगा ये भी बताओ। रोहित भंडारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, रोहित भंडारी ऑफिशियल चैनल। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। बहुत अच्छे अच्छे गाने इन फ्यूचर भी आने वाले। एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप अच्छे से इसको शेयर करोगे, प्यार दोगे गानों को। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी से। और रील्स वगैरह तो प्रॉपर अब बोलने की जरूरत नहीं है, रील हमारे साथ है ही वैसे भी, देख सकते हो। बनेंगी बनेंगी जो, ये देखो पूरा भीग गई है हाथ, देखो फिर ये। और ताऊ जी पीछे खड़े हैं जिन्होंने इतना पानी से हमें सपोर्ट किया, पूरा भीग चुके हैं। हम गर्म पानी देंगे, गरम मुगली गुट्टी, ठीक है। तो ताऊ जी मुगली गुट्टी 555 शाबाश। मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ, मैं बना रहा हूँ। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वन टू थ्री चली मुली हाथ गड़ी चनला तेरी घूरा घूरा।